आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी वॉल को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, हॉस्टल के रूम को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं 3 शेयरिंग बेड में रहती हूँ, हम 3 रूममेट्स हैं। आप ये देख सकते हो, ये वॉलपेपर मैंने लाकर लगाया हुआ है पूरी दीवार में यहाँ से वहाँ तक। मेरी पहली रूममेट का बेड है, आप देख सकते हैं। ये मेरा बेड है, ये मेरा टेबल है, उसके ऊपर मैंने ये मिरर लगाया हुआ है, और ये मेरी 3री रूममेट का बेड है, ये अलमीरा है। इस वॉलपेपर को मैंने ऑनलाइन मंगाया था, आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये मेरे पेन की इंक फैल गई थी, ये पेन होल्डर है, एक इसमें इंक मेरी फैल गई बुरी तरह से, और ये मेरी लीड है, इसमें भी इंक फैल गई थी। ये मैं वॉलपेपर लेकर आई थी मेरे रूम की वॉल पे लगाने के लिए। ये वॉल है, ये अभी खाली है, अभी हम इस पर वॉलपेपर लगाएंगे तो ये अच्छी लगने लगेगी। मुझे वॉल सादी सादी अच्छी नहीं लग रही थी, मैं चाहती थी कि मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करूँ। ये गम है, इस गम से हम इसको चिपकाएंगे। और ये मेरी नोटबुक पर भी फैल गया था थोड़ा सा इंक, एक तो हर जगह फैला हुआ है, इसने मेरे हाथ गंदे कर दिए, मेरे डेस्क की बहुत सारी चीज़ों को गंदा कर दिया है। अब मैं उसको पेन होल्डर को साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद मैं डेकोरेशन करूँगी। यहाँ का सिंक है, मैं यहाँ पर आई हूँ उसको धोने के लिए, क्योंकि ऐसे टिश्यू पेपर से ये साफ़ नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको बहुत मुश्किल से साफ़ करा। ये यहाँ का इंटीरियर का वॉशरूम है, आप देख सकते हो। ये देखिए, वॉल पे मैंने काफ़ी हद तक अभी लगा दिया है वॉलपेपर को। ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी हेल्प कर रही थी लगाने की, मैं बहुत थक गई थी लगाते लगाते। अभी भी काफ़ी बचा हुआ है वर्क, आप पहले देख चुके हो मैंने कैसे बनाया था, तो बस